आशीर्वाद देते हैं सब बना रहे हो आवाज रहे ये हमारा गोदी हमारे घर। कितने साल का बच्चा है आप? दूसरा साल। यूपी में दूसरे और अंतिम चरण का निकाय चुनाव संपन्न हुआ। 9 मंडलों के 38 जिलों में मतदान कराया गया जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन इस मतदान के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी आईं जिन्हें देखकर आपके मुंह से निकलेगा वाह। मिलिए बलिया की 94 साल की दादी से जो वोट डालने के बाद सबको आशीर्वाद दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं अयोध्या की ओर जहां एक माँ अपनी गोद में 2 महीने का बच्चा लेकर वोट डालने पहुंची और बहुत खुश दिखी क्योंकि उसका पोलिंग बूथ वही स्कूल था जहां उसने पढ़ाई की थी। यही पे हम पढ़ते थे। अच्छा, इसी में पढ़ते हैं आप? इसी में अपने घर से आए हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, मिर्जापुर में एक दादा व्हीलचेयर से पोलिंग बूथ पहुंचे और मेरठ के थाना जानी से 90 साल की एक बुजुर्ग महिला को तो उसके परिजन चारपाई पर ही ले आए सिर्फ वोट डालने के लिए। लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने इटावा के बुजुर्ग भी पहुंचे और विकास के मुद्दे पर डाल दिया वोट। आपका? वार्डन हीरालाल जैन। आप वोट करके आ गए? वोट डाल के आ गए। किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है? विकास पे है, शिक्षा पे है, ये खास मुद्दे जो है। आपके हिसाब से कैसा प्रत्याशी हो? अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए, मेहनती हो, परिश्रमी हो, ईमानदार हो। वोटिंग के वक्त दिव्यांग और बीमार लोगों की तस्वीरें भी आम थीं। आजमगढ़ में ये जनाब बैसाखी का सहारा लेकर वोट डालने आए थे। वहीं यूपी के बदायूं की तस्वीर देखिए, पोलिंग बूथ में एक व्हीलचेयर तक नहीं थी लिहाजा दिव्यांग को लगभग 250 मीटर की दूरी तय करके पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान करना पड़ा। मेरा नाम मोहसिन है और मैं पोलिंग बूथ तक पैदल आया कॉलेज के सामने से। जी कितनी दूरी तय की आपने? 250 मीटर की। आप दिव्यांग हैं और आपको कोई व्यवस्था नहीं की गई? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी, पैदल आया हूँ। कौन सी बार मतदान किया है आप? दूसरी बार। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, इतने जोश के साथ आप पैदल आए और इस तरीके से दिव्यांग होने के बावजूद भी जी। क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देंगे मतदान करने के लिए लोगों? नहीं, बस अच्छा करा जो भी है मतदान। किन अच्छा मतदान आप किन मुद्दों पर किया आपने, क्या लगा मतलब क्या विकास होना चाहिए आपके नगर में? जी हमें सहायता मिलनी चाहिए आपको, दिव्यांगों को सहायता मिलनी चाहिए। वोटिंग के लिए अनोखा नजारा तब भी देखने को मिला जब एक नई नवेली दुल्हन शादी के जोड़े में वोट डालने पहुंची। हाथरस जिले के सादाबाद नगर पंचायत में डोली की शादी कल हुई थी और 11 मई को उसकी विदाई थी, मगर विदाई से पहले डोली ने सादाबाद ब्लॉक में पिंक बूथ पर अपना वोट डाला और फिर ससुराल के लिए विदा हुई। डोली वोट डालने वाली अकेली दुल्हन नहीं है। मिर्जापुर की ये तस्वीर भी देख लीजिए, गाड़ी में सवार शादी के जोड़े में दुल्हनियाँ। शादी इनकी कल हुई थी और आज विदाई थी, मगर विदाई से पहले ये भी वोट डाल कर आई। शादी हुआ है अभी, आज आपने वोट दिया, वोट दे के निकली है? हाँ जी। कैसे? वोट तो हम सभी डालते हैं मगर अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार, मगर इन तस्वीरों को देखकर कहना पड़ेगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी ये अपना फर्ज निभा गए और इनके इसी जज्बे को हम सलाम करते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।